ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي زاهلا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھیے الصلاة والسلام نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو عزیز بھائیو اے ماہ ذلحج دا تیسرا جمعہ ہے اور ایک ساڈا معمول ہے ایک روٹین ہے سال ہر سال تو کہ ذلحج دے آخری دو جمعے یعنی تیسرا جمعہ اس تو پچھلا پھر آخری ہوئے گا جڑا آئے گا تو ہر سال چونکہ 18 ذلحج جڑی ہے پرسوں اتوار 18 ذلحج اور 18 ذلحج جڑا ہے وہ شہادت داماد مصطفیٰ امیر المومنین سید الاسقیا حیاد پیکر وفاد دولہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اُتے عرض کیتا جاندا ہے ہر سال ایک معمول ہے ایک روٹین ہے اور حسب روٹین حسب معمول میں عرض کرنا اللہ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے اور سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات نے ساریاں عبادات دا مرکز جڑا ہے وہ محبت مصطفیٰ نوں ٹھہرا ہے گفتگو شروع کر دیتی خالق کائنات نے حج زکوٰۃ تسبیح و تحلیل رکوع و سجود عبادت جتنی بھی عبادت ہیں وہ دا مرکز اپنے محبوب دی ذات نوں بنا دیتا ہے کیونکہ پہلا جز جڑا ہے کلمے دا وہ اللہ دی وحدانیت بیان کر رہا ہے دوسرا جز حضور دی رسالت بیان کر رہا ہے پہلے جز نوں اگر لے کے بندہ ساری رات عبادت کردا رہندا تے قبول نہیں سی فرمایا مرکز مازاق دے کاجل والے محبوبہ تیری محبت کو بنا دیتا ہے اقرار کرے تیری رسالت دا تینوں نبی منے تیرا کلمہ پڑھے
तेरी हर बात यकीन करे जो तू आँखें यकीन करे सोनिया, तेरे मौजजात नु मनने, तेरे खसाइस नु मनने, तेरे कमालात नु मनने, तेरे इख्तियारात नु मनने, तेरे औसाफ नु मनने और तेरे मनन वाले नु मनने। अजय ध्यान नहीं किया बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा सुने है, तेरे इखलाक नु मनने, तेरे किरदार नु मनने, रफ्तार मनने, दस्तार मनने, किरदार मनने, गुफ्तार मनने, फिर सुने तेरी दस्तार मनने, फिर सुने तेरा जड़ा हुसन मनने, इखलाक मनने, मौजजात मनने, खसाइस कमालात इख्तियारात इल्मे गैब नूरानियत हर शायद सुने माजाक दे काजल वाले महबूबा मनने, फिर तेरी आल नु मनने, आहा तेरे खानदान नु सुने मनने, तेरी अहले बैत नु मनने, तेरे वालिदैन नु मनने। ये मरकज हजूर दी जात जैसे मिनन नबी जीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन जिस तरह उन्हां दा तज़करा करके इनाम याफ्ता लोगों का फरमा दिता इनाम याफ्ता नबी जीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, तो इस तरह फरमाए माँ जाग दे काजल वाले महबूबा सोने तेनू इंज मने बेमिसल ते बेमिसाल बने अपने वर्गा ना मने। ये सारिया क्वालिटियां जिस वेल अल्लाह रखियां तो जुबाने मुस्तफा चो ऐलान करवाया कुल या अय्युह अन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, जुबानी रसूल चो अल्लाह ने इकरार ऐलान करवाता, ऐलान करवाने तो बाद फिर खालके कायनात ने वेख्या केड़ा केड़ा है मेरे यार की गल ते लबई कहने वाला, केड़ा केड़ा इनकार करने वाला है। दो ग्रुप सन, एक मोमिनीन दा एक मुनाफिकीन दा, एक मोमिनीन दा एक बोलो मुनाफिकीन दा, दो ग्रुप बन गए, एक मोमिनीन दा एक मुनाफिकीन। मोमन वो सन जिन्होंने खसाइश भी मने, आहा हा मौजजात भी मने, कमालात मने, हजूर दी जुल्फां नाल प्यार कीता, नबी पाक दी सैर नाल प्यार कीता, हजूर दी एक एक अदा नाल प्यार कीता, वो मोमिनीन बन गए। और फिर कुछ ओ सन, एक ते इलानिया काफर सन, उन्हें कहा जी मानते ही नहीं, इलानिया सन काफर, उन्हें कहा जी इकरार नहीं करते तेरी नबूवत, नबी नहीं मानते सी, वो की सन बोलो बोलो की सन है काफर, अल्लाह की तौहीद ते मंगते सन, तो फिर आके जो नबी का इनकार किया तो फिर अल्लाह फरमाए मुसलमान नहीं हो सकते। एक वो सन जिन्हें सरीहन इनकार कर दिता और एक वो सन जिन्होंने इकरार कर लिया, एक सी दरमियाना तबका विचकारली मखलूक, अजकल उन्होंने भी हकूक मिलने लग पे ने, बोलो तो सही, अजकल उन्होंने भी हकूक में अच्छी गल है, मखलूक खुदा नु हकूक मिलने चाहिए ने, मैं सुने पुलिस भर्ती होने लग पे ने, अल्लाह ही हाफज़ है, फिर चलो हकूक तो मिलने चाहिए ना, भावे त्रीजी मखलूक ये है तो इंसान, तो इस तरह वो तीसरी मखलूक हुई सी, पहल एक वो जे मोमन, दूसरे काफर दरमियानी मखलूक, मोमना वल आना आखना तुहाडे नाल, काफर जा कहना जी असीं तुहाडे नाल, वो सी दरमियाना तबका, उन्होंने की आंदे ने बोलो मुनाफिकीन, की बोलो मुनाफिकीन। अब जैसे काफर का ठिकाना जहन्नम में है, मुनाफिकीन का ठिकाना भी जहन्नम में है, और जिस वक्त मुनाफका ने रौला पाया, मुनाफकत की, नबी पाक ने आख्या तुहाडे नाल आ, उधर काफरां नू आख्या नहीं असीं तो एवें उतों उतों गल तुहाडे नाल आ, करदे करदे आ, एक सी स्टेट फॉरवर्ड तबका, वह सी असहाबे रसूल दा स्टेट फॉरवर्ड, उन्होंने उन्होंने असहाबे रसूल, सहाबी कोई छोटी जी गल तो नहीं ना, सिहाबी होना कोई छोटी जी गल तो नहीं ना, क्यामत तक गौस जमते रहेंगे, कुतुब जमते रहेंगे, अब्दाल जमते रहेंगे, उताह जमते रहेंगे, वली मौलवी मुफ्ती काजी चौधरी शाह गदा पीर मुरीद जमते रहेंगे, सिहाबी दूसरा नहीं जम सकता, क्यों? सिहाबी वो है जिन्हें मुहब्बत नाल चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत की थी, और जो हजूर के सिहाबा का दुश्मन होता है वो खुदा का दुश्मन है, ये है अकीदा अहले सुन्नत, जो हजूर के सिहाबा का दुश्मन है रसूल का दुश्मन है, वो खुदा का दुश्मन है, और जो खुदा रसूल का दुश्मन होता है उस पर खुदा की लानत होती है। इसलिए कहता हूँ जो सहाबी हो और दूसरा सहाबियत का इनकार कर जाए तो नफ्से सहाबियत का इनकार कुफर है, ये जेंज रखना बात, ये चुनवें चुनवें जी नहीं मननी दे, भी चुनवें मन ले अपनी मर्जी, जो मौलवी ने आखे मन ले, बाकी छड़ छड़े सारे ना, सब सहाबी हजूर दे अजमत वाले ने, और जैसे सब सहाबा अजमत वाले हैं इसी तरह तमाम अहले बैत भी अजमत वाले हैं, अजवाज रसूल, औलाद रसूल, औलाद रसूल भी सब की सब माने, अजवाज रसूल भी सब की सब माने, असहाबे रसूल भी सब की सब माने,
ये अकीदा है वो शफाफ अकीदा है जिसमें ना खारजियत के अंसर हैं ना राफजियत के अंसर हैं। ये वो अकीदा है जो अल्लाह का कुरान है और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, जिसे कहते हैं अहले सुन्नत। की बोलो? अहले सुन्नत व जमात, अल्लाह के फजल। अहले सुन्नत हुसैनी नाले भी गल है, तो फार भी सुन्नी ना हो नाले सुनीत किसी मौलवी की जात थोड़ी भी मौलवी सर्टिफिकेट देता सुनीत का, मौलवी के मदरसे सर्टिफिकेट लगता भी आ सुनीत आ दूसरा है। नहीं, सुनीत क्या है? सुनीत तो हजूर की मोहब्बत का नाम है, असहाब रसूल अजवाज रसूल औलाद रसूल के दर की गुलामी का नाम अहले सुन्नत है। और जो इनमें से एक के भी शान में गुस्ताखी करेगा वो सुन्नी नहीं होता। अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे वो भी सुन्नी नहीं, और जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे वो भी सुन्नी नहीं। सुन्नी वो होता है जो सबके मानने वाला है। फिर लंबी ना गल हो जाए, मैं स्टेट फॉरवर्ड जड़ा सी बंदा उन सारे बंद जो एक बंदा सी जिन्होंने आते सन सैयदना सदीक अकबर, इमाम सहाबा, खलीफा बिला फस, अमीर अलमोमिनीन, इमाम अलमुत्तकीन, यारे गारे मुस्तफ़ा, हामले अनवारे मुस्तफ़ा, कुश्ते दीदारे मुस्तफ़ा, रौनके बाजारे मुस्तफ़ा, राजदारे मुस्तफ़ा, सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी ज़ात से सारे काफरा ने रौला पाया। हजूर की तानू तशनी की, हजूर होटिंग की माज़ल्ला, ये जी वड्डियां ते चंगियां लोगों के होटिंग मुंडे सीटियां मारनिया मूँह चुंगलियां पा पा के ते तानू तशनी ते खलो के चौक वज मजाक, ये उन्हां काफरां दा काम से वड्डियां नू मजाक करना अपने वड्डियां दे उत्ते बदतमीजी करना वो काफरों के बेटों का काम था, मुसलमानों के बेटों का ये काम नहीं होता। जिहड़ा किसी वड्डे का हया ना उन्हें फिटे मूँह तेरी जवानी के उत्ते किसी वड्डे का हया नहीं करता, शर्म नू हथ मार। उन्हें कोई चंगा आंदे खानदानी बंदा नहीं, प्यो चंगा नहीं, यदि माँ चंगी नहीं, इन्हें कुछ सिखाया ही नहीं। और जिसकी तरबियत माँ ने सही की हो, जिस जिसकी तरबियत माँ ने ठीक की हो, जो तरबियत याफ्ता होते हैं, अच्छी माओ के बेटे अच्छे बाप के बेटे होते हैं, उसे दाता हजवेरी कहा जाता है। वो गरीब नवाज होता है, टाइमर दे दे मसीदे मौलवी की गल नहीं करता, ये फकीर लोग हैं जिनकी बात कर रहा हूं, जो जिन्होंने खला नहीं सन चाहिए। साड़ियां भावे अज के सस्तियां विकियां ने, होर गल समझ आई ना जी। चलो ये भी बड़ा रौला से कि जो खला का मौसम कुफर इस्लाम की जंग लगी होंगी सी, उदो मौलवी उदो सुल्तान राज बने होंगे सन, इतों तक बाहों टंगिया ने फल लो फल लो फल लो, उदो पता नहीं होता भी बस नहीं, उदो ना सुनीयत का पता ना कोई होर किसी नहीं आखना कि बस खला सानू दे दौ भावें अपनिया लाख दौ, एडे वैसे सर मुल तो हूँ नहीं रहा। महाराज जिन्हें दिखाई नहीं थी उन्होंने मैं शुक्रिया अदा करने इंतजामिया लो तो अगे चलने, फिर बाद जी मैं करना सकता गौर न सुनना जरा। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, दाता हजवेरी खाजा अजमेरी बन के तो बात कर रहे उन्होंने जिस वक्त हजूर ने ऐलान किया, फरमाया कुल या अय्युहन नास, कोहे अबू कुबैस अल्लाह तुहानू लै जे मक्का शरीफ, जिसे ऐलान होया दरौला जिसे हजूर ने ऐलान किया तो उस तरह मुनाफक काफरा ने इनकार किया। तो एक बंदा सी, मैं चूंकि तवालच नहीं जाना चाहता, मैं मजमून के उत्ते कह के गल करनी चाहता, मजमून के उत्ते एक बंदा सी सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने वेख्या है भी ऐलान करने वाला मेरा यार है जिन्हें कभी झूठ ही नहीं बोलिया, हाय हाय हाय, तबीयत हाजिर होवे तो एक छोटा जा इशारा कर लीए, जिथे अकीदत होंगी है ना उत्थे दलीलों की लोड़ नहीं होंगी, हाय 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 हाय, जिथे मुहब्बत होवे उत्थे दलीलां नहीं होंदियां। और मैं अपना अकीदा पेश करने लगा हूँ, कारी साहब आलम दीन हैं, मेरे बेटे बैठे हैं डॉक्टर साहब, सारे हजरात आप पढ़े लिखे हजरात हैं, गौर से सुनिएगा। मैं सैयदा कौनैन सैयदा फातमा तो जहरा को ना मनने को अपना मजाज है, मैं किसी तनकीद नहीं करता ना मैं किसी की कबरे पैना, जिन्हें भैड़े काम किए उन्होंने आप ही उत्थे भुगतना है। मैं सैयदा कौनैन रसूलुल्लाह की शहजादी को
बगैर किसी दलील के बेखता मानता हूँ। मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं, मेरी क्यों कहा दलीला मानता फिर आज रसूल की धी हो। अपने गिरेबान च मूँह पाइए किन्ने सदके किन्ने खल्ला खा गए, यतीमां दा माल खा गए, जकातां खा गए, दिता नूं तुसीं मैनूं जरूरत मेरी औकात ही नहीं। मैं लभ दलीला मां लभदा फिरां, इन्ना काफ़ी नहीं कि नबी दे जिगर दा टुकड़ा है, इन्ना ही काफ़ी। रिसालत इन्ना ही काफ़ी है। चूंकि जिमनन बात आई है, मुताबकत रख दी मेरी बात, मुताबकत रख दी तां बात की थी मैं, जिमनन जिमनन नाम ही आवे तो जे दानिश्ता भी लियांदी जाए तो फिर भी सुहाव है, फिर भी वड्डी गल है। तो इस तरह हजूर ने ये कहकर इन्ना ही काफ़ी सी कि फातिमा मेरी धी है, किसी ने इनकार करना सी? बोलो, एक बंदा आंदा मेरी धी है किसी ने इनकार करना? ये मेरे नवासे ने इनकार किया? जे नबी सिर्फ आंदे भी हसन हुसैन मेरे नवासे ने, फातिमा मेरी धी है, तो इनकार से कोई? बोलो यार की हो गए, ज़हरा नबी की धी है कि नहीं? हसनैन करीमैन हजूर दे नवासे हैं कि नहीं? है ना पुत्र, मौला अली दमाद हैं कि नहीं? है ना, कल्ले दमाद आंदे हजूर या नवासे नहीं? हजूर नूं पता सी कि वेला ऐसा आएगा रोग रौला, पर मैं फातिमा कल्ली धी नहीं, मेरे जिसम का टुकड़ा भी है। फरमायें ये ना समझना मैं नहीं, फरमायें कल्ली ती नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा भी है। ध्यान करना गल करन तो पहले, हसनैन करीमैन कल्ले नवासे नहीं, मैं इन्हां दे विचों है, मेरे विचों है। अली कल्ला दमाद ही नहीं, फरमाया अली मेरे विचों, मैं अली दे विचों। और जब हजूर ने उनको अपने जिस्म के जुज़ बना लिया, उसके बाद बहस करना, तानु तशरीह करना, ये दरअसल हजूर पे तानु तशरीह है। जब जिस्म का टुकड़ा है तो उसके बाद तानो तशरीह जो है वो हजूर की जात पे ताना है, हजूर की जात पे तानो तशरीह। इस वक्त हजूर आख्या से कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। और मैं तनकीदन नहीं इस्लाहन गल करना, गल्ला करने वाले ज़हरा पाक की अजमत होते, जरा सोचा है तुमने मुस्तफ़ा तक बात पहुँचेगी? मैंने ये पूरी मनकबत लिखी है चंद दिन पहले, जरा सोचा है तुमने मुस्तफ़ा तक बात पहुँचेगी? अली मुश्किल कुशा शेर खुदा तक बात पहुँचेगी? अली मुश्किल कुशा शेर खुदा तक बात पहुँचेगी? ख़ता पर सैयदा को कहने वालों गौर से सुन लो, ख़ता पर सैयदा को कहने वालों गौर से सुन लो, तुम्हारे मुँह से निकली करबला तक बात पहुँचेगी। हाय हाय, वो लंबी कम से कम 10 अशार में मलयानी से कह ले, मैं उस फिर राह आगे मैं अर्ज़ कर, तुम्हारे मुँह से निकली करबला तक बात पहुँचेगी। ख्याल नाल गल करनी चाहिए, अहमी आरी सईदा ज़हरा पाक के छोटी सी शख्स सईदा ना है। और मैं नाला हूँ इस पर, मैं दिल खून के आंसू रोता है कि जो रेहड़ियाँ देख लो कि नबी दी धी दियाँ गल्लां करन लग पे मौलवी, चौकां च खलो खलो के आखन लग पे चूड़े पुछदे ने, चूड़े होने साई उदी पुछदे ने, दसो तुहाडे नबी दी धी दी की खता सी? ये डूब कर मरने का मकाम है। कोई भी हो, मैं किसी को नॉमिनेट, कोई शख्स भी हो, उसको डूब के मरने का मकाम है। ईसाई पूछने लग पे ने कि की खता सी जी, क्या जो हिंदू थे सिख पूछते थे, क्या जवाब, की जवाब दोगे? रेहड़ियाँ तो बहस होने लग पी नबी की धी दे ना, रेहड़ियाँ देखो रेहड़ियाँ के चौकों खलो खलो के, जिन्होंने कभी वजू नहीं किया पूछते ने जी सुनिया खता की सी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मसलक की खिदमत है। हाँ, और मैं ऐसे शोबे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेजार हूँ, बेजारी का ऐलान करता हूँ ऐसे शोबे से। अभी फिर मुहर्रम में एक ऐलान करूँगा बड़ा, हम पूरे आलमी इस्लाम को पता चल जाएगा, बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। फिर मजमून इतने रह जाएगा, फिर आगे चल रहे हैं, लेकिन ये जिन रखना, मैं ऐसे शोबे से बेजार हूँ जिस शोबे में नबी की बेटी का एहतराम ना हो, मैं ऐसी मौलवी से बेजार हूँ, मैं बेजार हूँ इस लोगों से। मैं कलमा अपने नबी का पढ़िया, मैं जवाब अपने आका ने देना, किसी मौलवी ने देना है? बोलो तो सही, मैं अपने हजूर को जवाब देना है। नबी पाक जो पूछे गल करो मेरी धी के बारे की ख्याल से, जिसे अपने आका जवाब देना। अब तुम आखा किसी मौलवी छेड़ लगे करो,
सिर्फ ये देखो कि ये हजूर के नबी दी थी, ये नबी पाक दी बेटी है, बस ही नहीं काफ़ी है, इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं और किसी और को ये फजीलत हासिल नहीं जो सईदा जहरा को हासिल है। तो जिस उन्होंने वेख्या जनाब सदीक आख्या मेरा यार है, कभी झूठ नहीं बोलिया इन्होंने, नाले उन्होंने आख्या मैं दलीला मंगनिया ने, दलीला नहीं मैं, उन्हें आख्या मैं ऐलान करना कि मेरे नबी आका ने, मेरे आका ने, मेरे रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने, आपने जिस ऐलान कर दिता, सारा मक्का मुखालफ हो गया। फिर अल्लाह हाजिल किया, चलते 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 वक्त गुजरता गया, हज़रत सैयदना सदीक अकबर की दावत उत्ते, आपकी दावत उत्ते जनाब उस्मानी गढ़ी इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, कह लेकर मसला भी समझ लो, जौक भी पूरा हो जाएगा। आपकी दावत उत्ते जनाब सैयदना उस्मानी गढ़ी ने इस्लाम कबूल किया है। जो सदाकत के बेताज बादशाह ने दावत दी, हज़रत उस्मानी गढ़ी बड़े नखरीले सन, बड़े नखरे आए तो बड़े खूबसूरत सन। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ फरमादियां ने कि हज़रत सैयदना उस्मानी गढ़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे सन, और पंजवीं पुश्त विचों जिन्हां दा सिलसिला हजूर दे जद्दे आला अब्दे मुनाफ तक पहुँच जाता है, यानी जनाब उस्मानी गढ़ी दा पंजवीं पुश्त विचों सिलसिला हजूर नाल रल जाता जाके। और दुनिया ते एक ही तो बंदा है जिन्हें दोहरा एजाज है, होर किसी नबी दे गुलाम नूं नहीं, कि सिर्फ मेरे नबी दे गुलाम उस्मानी गढ़ी नूं एजाज हासिल है कि नबी किसी नबी का दोहरा दमाद है। एक धी फौत हो गई हजूर ने दूसरी दे छड़ी, फिर अगर चल के बयान कर लेने, तो आपने जिस दावत दी हजरत उस्मानी गढ़ी दी जुल्फा बड़िया सोहनिया सन, फिर रंग बड़ा सोहना, बड़े नखरीले, बड़े साफ सुथरे सन, बड़े नफासत पसंद सन आप, मजाजन बड़े नफासत पसंद सन आप जनाब, जरा नखरे बड़े तो सोहने बड़े सन, जरा हुसन जरा हुसन पसंद बड़ा करते, सोहणिया पसंद करते सन आप, पंजाबी तर्ज में सोहने पसंद कर दे। जनाबे सदीक आ क्या प्यारे उस्मान तू बड़े बड़े सोहने वेखे ने, कभी मेरा सोहना भी वेख, सुभान अल्लाह कह लो, पर मैं बड़े हुसनों जमाल दे पैकर वेखे होंगे, कभी मेरा सोहना भी आके वेख, मेरा सोहना भी वेखना। आपने फरमाया कौन? उन्हें आख्या अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का रसूल है। हजरत सदीक अकबर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तारीफा कीतियां, जो किसी के बारे कायल करना होगी तारीफा कर दियां ने, हाय 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 तबलीगी जमात तुसी बनाई होगी तारीफा भी करे करो, हजरत साहब की तारीफ ना भी हो तो कुफर नहीं होने लगा। तू चौक में दो बंदे लैके खलोता है नबी की तारीफ कर, कौंपड़ी की मशहूरी ना कर, अपने आका दी तारीफा कर खलो के, जुत्तियां ते कपड़ियां दे मशहूरियां ना कर उत्थे खलो के चौकां दे अंदर, अपने आका दी गल कर, आखो आख्या करो जी साडा नबी सारिआं नालों सोहणा है, आए हाय नबी सोहणा, नबी दी आल सोहणी, नबी दे सहाबी सोहणे, हजूर दी अजवाज अजमत वालियां शान वालियां, तो ये जदों दसेगा फिर आटोमैटिकली लोग जिहड़े ने हजूर दी गुलामी च, तो सहाबा दा तरीका की सी? चौकां च खलो के हजूर दी शाना बयान कर दे, जिहड़ा बंदा नहीं बोलता उन्हें तो कभी भी नहीं बोलना, जिहड़ा हजूर के नाँ ते नहीं खुश होकर बोले वह बेचारा कदों बोलेगा, वह तो मेरे को बोलने जोगा रहना ही नहीं उन्हें, नबी पाक का नाम आवे तो खुश होकर सुभान अल्लाह आख्या करो ताकि पता लगे असीं नौकर हजूर दे। आपने फरमाया मा ज़ाकदा काजल वतु हादा चेहरा हामीम दे कुंडल वेख, ए प्यारे उस्मान मेरे महबूब नूं आके वेख, लम याती नज़ीरो काफी नजर हजरत बोले अल हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम आशिका मौलाना शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, आपने फरमाया लम याति नज़ीरो काफी नजर मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना गोश्त खादा है, ओए होए 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 तौबा तौबा तो कसरां कटियां कसरां काट दी थी, हूँ थोड़ा जहा जोर तो बहुत ही एनर्जी थोड़े चाहिए, मिल के ना पालो मिसले तो ना शुद्ध पैदा ना मिसले चिश्ती बन के राज चिश्ती कादरी नक्शबंदी जोर सारे बैठे हो, मिसले तो ना नहीं आता माफी है।
थोड़ा जरा जोर लाओ हजूर दी नाते मिसले तो ना सखी कोई नहीं सोना कोई नहीं सीरत सूरत आगे खिलाक वेख चल उस्मान जो माज आखदा काजल वेखेगा वो दुहा का चेहरा वेखेगा ए प्यारे उस्मान जो मेरे नबी नू जाके वेखेगा फिर किसी और सोने वाल वेखेगा ही नहीं आई सियाबा का अकीदा उन्हें क्या उसने मुस्तफा अंदर भी नबी की कोई मिसाल नहीं मिसलो कुम के दावे करने वाले सियाबा का अकीदा जरा अभी बयान कर लेंगे अपने वर्ग आखना सियाबा का अकीदा नहीं आ सियाबा का अकीदा मैं पेश करना पाया आखिया प्यारे समान चल के वेखो मेरा नबी बद्दू आदे चेहरे वाला महबूब जाके वेखो कि ही होके रह जाता है दावत जुनाबे सदीक देन वाले ने मुसलमान बनाई जुनाबे उस्मान कहूँ दावत जुनाबे अबू बकर सदीक की हुई है जो जुनाबे उस्मान हजूर की बारगाह के अंदर आए दूरों वेखिया माजाक का काजल चेहरा वेख्या है आमीन दे कुंडल वेखे मुसलमान भाई दूरों जदों यार दा चेहरा तक आए उस्मान तकदा ही रह गया उसने मुस्तफा तकदे रह गए मुसलमान जनाब उस्मान उसने मुस्तफा तकदे रह गए वेखे जुल्फां बड़िया सोहनिया ने जिमें जिमें अगे आते जाते हैं वेख्या पछानी जो नूर दियां लाटां निकलदियां पईयां ने पछानी जो नूर दियां लाटां निकलदियां पईयां ने मुसलमान भाईओ हजूर वेख के मुस्कुराए दंदान विचों नूर दियां छुआवां निकलदियां पईयां ने दंदान विचों नूर दियां छुआवां निकलदियां पईयां ने नबी वेख के मुस्कुरा रहे ने जो जनाब उस्मान करीब आए ने मुसलमान भाई हजूर ने नजरे रहमत नाल वेखिया ते आला हजरत फिर बोले पर मैं जिस तरफ उठ गई दम दम आ गया आखो सदके या रसूल अल्लाह ए जिस तरफ उठ हजूर की गुलामी के अंदर जिसले आए ने मुसलमान भाई हजूर की गुलामी कबूल कर ली जदों दामने रसूल बेच आ गए रब ने फरमाया मैं इन्हां ते राजी हो गया बेशक अल्लाह मोमिनीन ते राजी है बोलो मोमिनीन ते बेशक अल्लाह राजी है जदों रब राजी कदों होया है जदों सारे हजूर की गुलामी के अंदर आ गए ने मोमिन वो होता है जो हजूर का गुलाम होता है खाली नमाज ना काम नहीं चलना नमाज पढ़ी जाओ तो नबी पाक दे बारे कभी हजूर का ना ना लिया आवे तू कड़ी नमाज पढ़ता फिरना वे तुम कि नहीं आखिया नमाज इन कबूल होंगी है नहीं नमाज उदों कबूल होंगी है जो हजूर की मोहब्बत हो जे नहीं तो मेराज की रात वेख लो सारे नबी पिछे खलोते हुए नहीं अगे मेरा नबी खलोता हुआ नहीं ख्याल आ जाए नमाज नहीं होंगी मैं क्या सही आख्या ख्याल आ जाए नमाज नहीं होंगी मैं क्या तुहाडा तेरा ख्याल आ जाए खलना खाने वाले तो नमाज के पल्ले कोई शहर नहीं रही
बोलो तो सही, इरेडे मकरूह मौलवी थे। तेरा ख्याल आज तो होंदी नहीं, नबी दा ख्याल आज दे टुटदी नहीं। नबी पिछे खलोते थे सारे, तो सोच रहे ने यार वेख लो आखर जमा आखर से आया तो सब तो अगे खलोता है। हर नबी हजूर दे बारे ख्याल करते पे ने, किड्डी शान वाला है, किन्नी अजमत वाला है, किन्ने मकाम वाला है, किन्निया शाना ते अजमत वाला है। अगर इतने रहा तो फिर बात दूर निकल जाएगी। ख्याल नहीं, ख्याल नहीं, नबी आप आया हो ख्याल नहीं, नबी नबी आप तशरीफ फरमाने मुसलमान भाइयो, अंबिया भी हजूर की ज़ियारत करते पे ने, इतने बात तो फिर रह जाए। आखिया प्यारे जो जनाबे समा नहीं कहनी, हजूर नाल मुहब्बत की, कलमा पढ़ लिया सरकार का, करो मुखालफत शुरू हो गई, करो ही मुखालफत शुरू हो गई। हाय हाय, दुश्मन की मुखालफत की परवाह नहीं होंगी, परवाह तो होंगी जो घरों शुरू हो जाए, जो घरों शुरू हो जाए। नलायक आदमी नलायको वो तुहाडा एड्डी शान वाला है, तुहाडा है हाफ़िज़े कुरान है, मौलवी है, आलिम है सर, तो तू चवल जहा बंदा है, मुखालफत कुछ हया कर, शरीका ही ना सामने रख के भी वेखो आलमे दीन है, या वो वेखो अल्लाह का वली है, या नेक हाफ़िज़े कुरान है, या कोई इज्जत वाला बंदा है, तो इस तरह, या कोई किसी अल्लाह कोई एम एल ए बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई अल्लाह इज्जत दी है, तो इज्जत जिन दी हो रब उन्होंने बनना चाहिए। इज्जत देने वाला कौन है, तो जलील करने वाला कौन है? अजय अजय समझ नहीं लगी, अजय नहीं पता लगा इज्जत देने वाला कौन है, तो जलील करने वाला। जिन्हों रब इज्जत दे उन्हें कोई जलील नहीं कर सकता, जिन्हों रब जलील करना चाहे उन्हें इज्जत कोई नहीं दे सकता, एक कन्फर्म बात। करो मुखालफत वही सका चाचा जनाब उस्मान ही गनी दांदा पे उस्मान, मुहम्मद का नाम लेना छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फिर मैं चाचा तेनू जे छड़ सकना वा, यार दा दामन नहीं छोड़ सकता, तेनू छोड़ सकना वा, हजूर दा दामन नहीं छोड़ सकता। उन्हें आख्या फिर मैं तेरी जायदाद ते कब्जा कर लवांगा। ये कब्जा करो बड़ी देर दा है। किसी की जमीन ते कब्जा करके मदरसा बनाना बंदे दे पुत्रां दा काम है, या मसीद बन को नहीं, ना उस मस्जिद नमाज होएगी, ना मदरसे, ना मदरसा है। कब्जा करके बदमाशी नाल किसी की जमीन पर कब्जा करके तुझे आखो जी ये कुरान पढ़ाउण दे, कोई नहीं कुरान, ये कुरान से फराड है। नबी मसीद बनावे तो नबी बाप पैसे देंदे ने, यतीमां दी जगह उन्हां खियास होला तुहाडे पर, मैं नहीं, भावें तुसीं मुहब्बत वाले अबू बकर पैसे अदा करो, तो नबी पैसे ला के मसीद बना, तेनों किने इख्तियार दे कब्जे करके मसीद पाउंदा पिया। हूँ आखे उस्मान तेरी जायदाद ते कब्जा कर लवेंगे, जायदाद नहीं मिलेगी, फरमा कोई गल नहीं, जायदाद की परवाह ही नहीं, जी मैं गुलामी में आया वहां वो शान इन्ना आतैना कल कौसर। शाना का मालिक है, मैनू किसी होर शायद की लोड़ नहीं, जायदाद की लोड़ ना, आखिर समान पैसे तेरे हीरे जवाहरात अशरफियाँ सारा कुछ मैं जबत कर लवाना। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ना अशरफियाँ ना हीरे जवाहरात चाहिए ने, बस हजूर का साथ चाहिए है। हजूर को पता लगा उस्मान ने हर चीज छोड़ दी है, नबी ने उस्मान को सीने न ला लिया। अरे उस्मान रब आंदा है सोना, मैं तेरे गुलामा ते राजी हो गया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सहाबा ते रब राजी है, बोलो सहाबा ते साहबे रसूल दे रब राजी है। मुसलमान भाई फिर क्यों हुंदा है पिया, उन्हें जनाब उस्मानी गनी दे हाथ जमीन ते रख के चार पाई दे पावे दे थले उस्मान दे हाथ दे लेने, आखर उस्मान उहदा नाम लेना छोड़ दे। आपने फरमाया जान ते जा सकती है, हजूर की मुहब्बत नहीं जा सकती। उन्हें फिर चाचे ने बन गए रस्सियां दे नाल आखना उस्मान भुखा रखांगा, फरमाया कोई गल नहीं, वारां दो जग बोल तो ते जिंदवारा इस अनोखे डोल तो हर शह कुर्बान कर सकना वा। फिर मुल की पिया है उस्मानी गनी दा मुसलमानों, हजूर दी बारगाह दे अंदर मुल की पिया है। इमाम उल्लंबिया फरमाया है ओ लोगो सुन लवो, जिन्ना नफा मैनू उस्मान दे माल ने दिता है और किसी दे माल ने नहीं दिता। जिदा माल इस्लाम नफा देवे
गौर करना जी तबीयत हाजिर हो उलमा को बड़ी वारी हदीस सुनी है। मैं पढ़ रहा सा बैठा तो इस्तदलाल मेरे जहन में आ गया। नवा इस्तदलाल है, नवी गल होगी। हदीस तो सुनी कई बार जिसले तबूक के मौके पर जनाब उस्मानी कहीं अशरफियाँ हजूर पेश की जनाब अशरफियाँ मेरे गौर करना जरा वो पैसे एठी भेजन आते निके निके सर वो बजूर हथा च रख के ना कभी इंज सुटन कभी इंज सुटन पा के ना उस जड़े सर जुर्मो दिनार अशरफियाँ हजूर कभी इंज पुलटन कभी उलट कभी पुलट कर नाले हसन नाले खुश हो सुनना जरा गौर हजूर ने वो माल लैन तो बाद वो माल था इस्लाम की खातर नबी ने जाती तौर पर नहीं लिया समझे नहीं गल मैं जाती नहीं अपने पेट वास्ते नहीं इस्लाम वास्ते जो अशरफियाँ आईया तो जाना सी जंग ते बड़े ध्यान गल सुनी साहबे मुहब्बत ते साहबे अकल नूं दावा देन लगा अशरफियाँ जरूर कभी इंज उल्टन कभी इंज इंज हथां च इंज इंज करके हस के फरमाए अज तो बाद अज तो बाद मेरे उस्मानी गनी दे जिम्मे कोई गुनाह है ही नहीं। बोलो शुक्रिया जिंदाबाद अजमत सैयदना उस्मानी गनी अजमत सहाबा मसल के हक अहले सुन्नत व जमात तवज्जो है जरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाए अज तो बाद मेरे उस्मान के जिम्मे कोई गुनाह नहीं। इसके बाद जो उस्मान को गुनाहगार कहे वो फरमाने मुस्तफा का मुनकर है। हाय 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 सुनो सुनो जरा फिर रिपीट करना मैं जो नबी पाक आखी है कि मेरे उस्मान के जिम्मे अज तो बाद कोई गुनाह नहीं। उसके बाद जो उस्मानी गनी को गुनाहगार कहे वो हदीस रसूल का मुनकर है वो दारे इस्लाम से खारिज है। जो उस्मानी गनी को गुनाहगार कहे वो बेईमान है वो दारे इस्लाम से खारिज है। अब सवाल ये है फजीलत सैयदना उस्मानी गनी और ये अकीदा अहले सुन्नत पेश कर रहा हूँ ये है फजीलत सैयदना उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला जो अशरफिये पैसे दें माल दीन की खातर हजूर उस माल पे खुशी का इजहार करके कहें हालांकि वहाँ खता का मकान था। हाय हाय एज ए बशर एज ए इंसान खता का मकान था। पर मैं कर भी लवे तो फिर भी खताकार नहीं आखना। हाय 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 कर भी लवे तो फिर भी गुनाहगार नहीं आखियो। मैं आखिया इख्तियार इस्तेमाल करके आखे लोगो आज के बाद कोई अमल उस्मान को जर नहीं पहुंचाएगा उस्मान को नुकसान नहीं उस्मान कोई अमल करे उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं। भाई जिसने पैसे दिए हो दीन की खातर जब वो दे दे रसूल कहे आज के बाद इसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं है तो जिस जहरा ने अपने बेटे कुर्बान किए उसके जिम्मे गुनाह कैसे हो सकता है। जोर से बोलिए बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मानी गनी दामादे मुस्तफा जब वो पैसे हजूर को पेश करें जंग के लिए जिहाद फी सबीलल्लाह के लिए तो हजूर खुश होकर कहते हैं कि आज के बाद उस्मान जो भी करे बोलिए पहले तो शादी से दुश्मनाने उस्मान के मुंह बंद हो गए। जब हजूर ने कह दिया कि आज के बाद तादम आखर मेहरबानी करो हमें पूछते हो सुन्नियत सुन्नियत का सर्टिफिकेट तूने देना है। 30 साल गुजर गए सुन्नियत की खिदमत करते हुए बाप दादा से सुन्नी हूँ
हमें पूछते हो सुनी है छुन्नी छुतरे बेमुहार, तुझे क्या पता है, तुम तो वो एक रिमोट कंट्रोल हो, जैसे रिमोट के रिमोट नपते ने वो शायद चलन गड्डी होती, रबड़ का बावा होता है रिमोट कंट्रोल, सलां वाले बावे ना बनो, रबड़ के बावे ना बनो, कुछ हकायक भी तस्लीम करो। ये है सुन्नियत। पहले दिफाई उस्मानी का नहीं कर रहा हूँ, वो यार बोलो तो सही, की हो गया तुम तो कोई नहीं हाल तुम। दिफा ये है कि यहाँ पर आके राफजियत के मुंह बंद हो गए कि उस्मान जो भी करे इसके जिम्मे गुनाह नहीं, उसके बाद जो उस्मानी गनी को गुनाहगार कहेगा वो हदीस रसूल का मुनकर है, और जो हदीस रसूल का मुनकर हो वो इस्लाम से खारिज है, दार इस्लाम से खारिज। तो जो पैसे दे इस्लाम की खातिर उसके जिम्मे गुनाह नहीं है, तो जिसने बेटे दे दिए उसके जिम्मे गुनाह कैसे हो सकता है। इसलिए हाँ बात फिर तवालत हम पकड़ जाए, फरमाइश तो बाद मेरे उस्मान के जिम्मे कोई गुनाह नहीं, मेरे उस्मान जो भी करे कोई अमल मेरे उस्मान के दिन जर नहीं पहुँचाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाए कोई अमल मेरे उस्मान जर नहीं पहुँचाएगा, उस्मानी गनी जो मर्जी अगे फिर कौन जनाब उस्मानी गनी मुसलमान भाई नबी बदर ते जान मेरे आका बदर ते तशरीफ ला गए ने मुसलमान भाई जिसने वापस तशरीफ लिया उस्मानी गनी नाल नहीं गए, नाल नहीं गए, हजूर जो वापस आए ने छोड़ के क्यों गए सन, हजूर की बेटी बीमार सी, हजूर की लखते जिगर, हजूर दी चारे तीन शान वाली ने हजे च रखना बात। मेरे आका अलैहि सलाम दी दुख्ते नेक हजरत रुकिया रज़ी अल्लाह तआला सलामुल्लाह अलैहा आप दा विसाल हो गया सी, ते जो काफिला वापस आया बदरी मुजाहिदीन दा ते उदो जनाब उस्मानी गनी तदफीन कर रहे सन हजूर दी शहजादी दी, ते नबी छड़ के गए अपनी बेटी की खिदमत वास्ते। बोलो तो सही, नबी पाक छोड़ के अपनी बेटी की खिदमत वास्ते जदों माले गनीमत की तकसीम की वारी आई फरमाया मेरा उस्मान भी बदरी मुजाहिदीन में शामिल है, गए नहीं, ये हजूर का इख्तियार जबरील ने आके नहीं कह सुने तो की इख्तियार है तुम किवें आंदे हो, नहीं फरमाया मेरे उस्मान गनी की खिदमात वो है ये माल ने जिन्ना फायदा दिता किसी ने, फरमाया मेरा उस्मान भी बदरी मुजाहिदीन में शामिल है। मालूम ये हुआ कि जो आले रसूल से मोहब्बत करे आए हाय 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 जो आले रसूल की खिदमत में रहे उसको सिला हजूर की तरफ से, पर मैं पावे नहीं नहीं गया पर मैं शामिल किया है क्योंकि तू मेरी धी की खिदमत में चढ़े आए। मैं कहता हूँ हजूर की बेटी की खिदमत करना ये तो सुन्नत उस्माने करनी है, हाय 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 औलादे रसूल से मोहब्बत औलादे रसूल से प्यार ये तो जनाब उस्मानी गनी का अमल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका अमल है। और सब हजूर ने फरमाया जो मेरी बेटी का एक बेटी का एहतराम भी करे चारों तो बहुत बड़ी फरमाया एक बेटी का एहतराम भी करे मैं बदरी मुजाहिदीन में शामिल कर रहा हूँ बदरी मुजाहिद हिस्सा भी दे रहा हूँ। मालूम ये हुआ जो आले रसूल के दर का नौकर होता है उसको सिला बदरी मुजाहिदीन के बराबर मिल जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जिस वक्त आपका विसाल हो गया हजूर की बेटी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का विसाल होया वक्त गुजरिया फिर मेरे आका फरमाए उस्मान सहाबा बैठे हुए ने जी सुनियो फरमाए मैं उस्मान दूसरी धी देन लगा नाम की है सैयदा उम्मे कुलसूम। सैयदा उम्मे कुलसूम नबी पाक बिनते रसूल सरकार फरमाए निकाज दे के फरमाए कभी मेरिया चाली धियां भी होंदियां इन उस्मान गनी आते हैं रज़ी अल्लाह तआला पर मैं कभी चाली धियां भी होंदियां तो एक एक करके फौत होंदियां रहिंदियां मैं उस्मान के नकाह भी देता रहा क्यों फरमाए मेरा फैसला नहीं क्यों सामने जबरील अमीर खलोता है जबरील आंदा सोने रब आंदा उस्मान का ध्यान रख
ਰਬੰਦੇ ਪਿਆ ਮਾਂ ਜਾਗ ਦੇ ਕਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਉਸਮਾਨੀ ਗਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਸਮਾਨੀ ਗਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਸਮਾਨੀ ਗਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਕਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਮਾਦ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਤ ਉਲ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਦਮਾਦ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਦੋ ਤੀਆਂ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਉਸਮਾਨੀ ਗਣੀ ਦੇ ਘਰ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀਗਰੇ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨੀ ਗਣੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋ ਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤੀਆਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਧੀ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਧੀ ਅਲੈਹਿ ਮੁਰਿਦਵਾਨ ਸੈਯਦਾ ਹਫਸਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮੁਲ ਅਲੈਹਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਪੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇ ਕਦਮਾਂ ਸਿਰ ਖਾਏ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਘਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੌਲਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿਹਾਬੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਹਾਬੀ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਧੀਏ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੋਮਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਚੁਣੇ ਚੁਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋ ਥੱਕਣੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣੋ ਬਾਅਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਪੇ ਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਮਸਲਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਸੁਨੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਹਮਸੇ ਬੜਾ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਸੇ ਬੜਾ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਮ ਅੱਲਾ ਕੇ ਫਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਹੋਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੂੰ ਜਿਸੇ ਰਾਫਜ਼ੀਅਤ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਤਰਾਫ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਹਫਸਾ ਸਲਾਮ ਲਾਲੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾ ਮੈਂ ਅਲੈਹੀ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਲੈਹੀ ਸਲਾਮ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰੋ ਕੀ ਮਾਨਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਅਲੈਹੀ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਕਸਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਬੀ ਕੇ ਯਾਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਅਲੈਹੀ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ ਪਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ ਬੋਲੋ ਉਨ ਪਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਕੋਈ ਇਬਹਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਆਦਿ ਰਸੂਲ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਇਸਮੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪੇ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਾਮ ਕੋ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਦੀ ਜੈਸੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਨਬੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਜਿਸਕੀ ਬੇਟੀ ਨਬੀ ਕੇ ਘਰ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋ ਬਹਿਸ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸੁਣਦੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਾਮ ਸੈਯਦਾ ਹਫਸਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ। ਨਾਮ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਿਹਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੌਜੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਵਾਜਵਾਜ ਹੂ ਮਹਾਤ ਹੋ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮਾਂ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵੀ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਧੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਬੀਅਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਾ ਸਲਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਮਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ। ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਕਹਿ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਤ ਆਖੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਆਖਿਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਾਹਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਆਖੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਆਖਿਰਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਫਸਾ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਅਤੇ ਅਫਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਧੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਧੀ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ, ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਦੀਕ ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਨਾਨਾ। ਬੋਲਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਾਨਾ। ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਧੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਨਾਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਮਾਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ, ਉਸਮਾਨੇ ਗਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਹਿਨੋਈ, ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਖਾਲੂ, ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਂਡੂ, ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਮ ਸੁਲਫ। ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਨਾਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਲੱਗੇ ਦੋਤੀ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਖੇ ਇੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਿਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਕੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਸਦੀਕ ਸੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਕਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ ਬਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਤਮ ਬਾਲੇ ਸਿਤਮ,
मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, गुजारिश करता हूं खुदा के लिए सैयदा जहरा की जात पे बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम्हारी और मेरी औकात क्या है। यह सदाकत सदीक की बात करने वालों, अपने गिरेबान में झांको, औकात क्या है। सदीक तो वो है जो जरा नबी पाक का सौरा है, जिदे पिछे मेरे हजूर ने नमाजा पढ़िया, जिदे पिछे मौला अली नमाजा पढ़िया, जिदे पिछे उमरे फारूक उस्माने कड़ी नमाजा पढ़िया। ध्यान है तवज्जो है ना। मैं बात कई बार सुनाई, मैं रिपीट करने लगा मसला। ये नहीं भी सदीक अकबर ते जहरा पाक का रिश्तेदारी मुक गई, नहीं मुकियां नहीं। जदों औलाद नूं दसीए ना भी फलाना रिश्तेदार है, मेहरबानी करना जे तुसीं बात जाया कीती ते मैं अल्लाह की कसम नहीं तुहानूं सुनाउणी गल। सही गल जी, मैं मेहनत है, मेरी मेहनत है, तुसीं जाया करोगे तो फिर मैनूं अफसोस होएगा। गौर करना लगा, ये तुहानूं गल्लां मैं दसणियां, मैं दस रही हूँ तुम्हें गल्ला, चूंकि मेरे ना बड़ा सुननी कोई नहीं, मेरा दावा बंदा दावा कर रहा मेरे तो बड़ा सुननी है कोई नहीं। मैं दस लगा जो रिश्तेदार चंगे हो ना, चौधरी उम्र याद है सौ तो नहीं गया, नहीं मैं क्या गल नहीं गल सुनाइए अगर बंदा सुनाइए तो फिर मसला तो जो है ना रात रिश्तेदार चंगे होते औलादन कह के चाहिए कि छड़े ना चंगे बड़े ने, तो जदों औलाद हों दसी ना फलाना पुत्र तेरा लगता है वह छड़े नहीं नस्ली होते। जदों रिश्तेदारी हजूर ना कर ली त्रैवान ने, तो हजूर ने इन्हों कर ली, अगों दसिए मौला अली ने भी बेटा लोग एवं रौले पाते रहन वेखना अबू बकर में याद आए रौला ना पायो जिसे पिछे मैं नमाज पढ़ना आखा बंद करके लू इमाम मन लेना। अगों जो मौला कायनात अपनी औलाद को दसिया ना तो औलाद ने वेख्या अगों फिर सिलसिला चलता चलता इमाम हुसैन का पुत्र। मैं मसला रिपीट कर लगा सुना सुनाया कई बार क्योंकि मुताबकत रख दी बात, फिर इमाम हुसैन का पुत्र जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन का पुत्र मुहम्मद बाकर। ये सारे वीडियो सारे मौलवी सुन कान खोल के सुबियत किनू आते हैं, गौर करना जरा गौर करना। हुसैन का पुत्र जैनुल आबदीन, एक एक बात का जिम्मेदार हाँ मैं, अटक पंजू ला के गल नहीं करता। जनरल आबदीन का पुत्र मुहम्मद बाकर, तो मुहम्मद बाकर की शादी हुई है अबू बकर सदीक के पोते की धी नाल। अबू बकर का नाम सदीक अकबर के पुत्र अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान का पुत्र कासम, कासम की धी उम्मे फरवा। उम्मे फरवा बीवी बनी है मुहम्मद बाकर की, उधरों सदीक अकबर के पोते की धी है, इधरों हुसैन का पोत हुसैन का जरा पोता है वह दूल्हा है, यह दोवों की होगी शादी। यानी हुसैन पाक ने अपना पोता सदीक अकबर के घर व्याया है, हाय 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 सदीक अकबर के घर व्याया है। तो व्याहन तो बाद फिर जेड़ा एक पासे सदीकी खून सी, हा 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 खमीर वो सी जेड़ा सदीक का खमीर है, तो खून वो सी जेड़ा हुसैन का खून है। अली हम जुमला सुन जरा दिल के हथ रख के सुनी, अली का खून ते सदीक अकबर का खमीर कट्ठा होया ते फिर इमाम जाफर सादक बने हैं। बोलो बोलो बोलिए, फिर बने इमाम जाफर सादक, जाफर सादक ते जाफर सादक जिदे बड़े शगिर्द ने कोई पेश कर लेने, शगिर्द बड़े ने आप इमामे जाफर सादक इको ही पेश कर लेने, जिन्हें नबी पाक की जुल्फ की कसम काया पल दी थी दुनिया की, उन्होंने आंदे ने इमामे आजम बड़ा इमाम काशिबल गुम्मा सिराजुल उम्मा सैयदुल आइमा फखरुल आइमा सुबतुल आइमा उमदतुल आइमा नमान जे मैनू जाफरे सादक की गुलामी ना नसीब हो।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੁਕੱਲਾ ਦਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਦੀ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਛੱਡ ਜਾਣੀ। ਦੋ ਬੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਲਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕੱਲਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕੱਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆ ਗਿਰੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਬੀੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਜੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੁਆ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਹੁਤਾਨ ਲਗਾਣੇ ਸੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਬਾਤ। ਕਿਸੀ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਸੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੀਓ ਸੇ, ਮੁਝੇ ਉਨਕਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਕੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਕੋ ਲੋਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਮਾਮੀ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਫਜ਼ੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋ ਸ਼ੀਆ ਥੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਨਕੋ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਗਿਆ? ਆਹ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ, ਹਮ ਮੁਕੱਲਦ ਹੈ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਵਾਕ ਇੱਥੇ ਟੰਗੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗੋ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਸਵਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਲਵਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਸੀਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਸਲੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੋ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਲੋਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਵੋ ਕੌਣ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਦੀਆ? ਵੋ ਕਾਫਰ ਥੇ? ਵੋ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਥੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੇਤਾ। ਇਹ ਦਾਵਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮਾਲ ਨਾ ਪੂਛ, ਇਸਮੇ ਕੁਛ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀਨੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਆ ਸ਼ੀਆ ਤੋ ਵੋ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਇਮਾ ਸ਼ਾਇਮਾ ਅਰਬਾ ਕੋ ਜਿਸਨੇ ਕਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਵੋ ਤੋ ਸੁਨੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਨਕਾ ਵੋ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਥਾ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਉਨਕੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋਣਾ ਪੜਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਤਮਾਮ ਉਲਮਾ ਸੇ ਜੋ ਸਭ ਮੁਝਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਲਬਾ ਉਲਮਾ ਸਭ ਸਭ ਤਮਾਮ ਹਲਕਾ ਜੋ ਸਭ ਮੁਝਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਥੀ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਜਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਲੀ ਹੋ ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਯਹੀ ਤੋ ਹੈ ਹੱਕ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਿ ਖਾਰਜੀਅਤ ਕਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਇਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਾ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਤਾ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਕਾ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਵਕਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹਿੱਸ ਹੈ ਤੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਮੇਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਛੋੜ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਖਾਰਜੀਅਤ ਖਾਰਜੀ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਕੇ ਦਰ ਕਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕੇ ਦਰ ਕਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨੀ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ, 18 ਜ਼ਿਲਹਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਦਮਾਦ ਬਣਾਇਆ।
18 ذوالحج آپ کی شہادت کا دن ہے, پرسوں اتوار والے دن اپنے گھر چ سال ثواب کرو, محفل سجاؤ اور انہوں نے بارگاہ چ خراج عقیدت پیش کرو. نہ کرو تو ساڈے محتاج نہیں ہو, جن نبی آ کہہ دے اپنی گناہ کوئی نہیں, اسی تے اپنا رنک بتاؤن واسطے آپ دی بارگاہ چ تحفہ گجرا پیش کرنا ہے, سمجھ آئی جی. اور اس طرح اللہ اکبر تقریر تو یہی تھی جو میں نے سنا دی آپ کو. ایک نے معاملہ ہے آپ سامنے جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی سیاست کا حصہ نہیں, میں زندگی میں نے کبھی سیاست نہیں کی, لیکن صوبائی گورنمنٹ اس پہ خصوصاً سپیکر پنجاب اسمبلی, وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون, اس میں سید سمسام علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں, کرما والا کے شہزادے اور بھی سادات بھی, جو قانون بنا ہے ختم نبوت پر ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور کہا کہ جو اسمبلی کے فورم کہیں بھی نام لے گا ساتھ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین. اور یہ وہ ہے میرا, میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ کیا ہے ان کی قبریں روشن ہو جائیں گی. ساتھ کہنا ہے خاتم النبی تاکہ مرزیت کا کلا کما ہو جائے, یہ ہے ختم نبوت پہ عملی طور پہ کام. اور پھر ساتھ یہ بھی قانون کہہ دیا, بنا دیا کہ جو میرے نبی کے کسی صحابی کو بھونکے, میرے نبی کے کسی صحابی پہ تان و تشنیع کرے, اس کو بھی 5 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ. جو اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کے معاملے میں اگر کوئی تان و تشنیع کرے گا یا اشارہ کرایا بیوی کو بات کرے گا تو اس کو بھی 5 سال قید. اور ہم اس پہ بالکل بھرپور اس بل کی حمایت کرتے ہیں. چکو باہم ذرا, باہم چکو ذرا, ختم نبوت معاملہ ہے, آل رسول اور صحابہ رسول کا معاملہ ہے. اب مہربانی نیچے کر لو, جو شخص توہین صحابہ کرے ہم اس کے خلاف ننگی تلوار ہیں. جو ہمارے سامنے صحابہ کو بھونکے گا ہم اپنی معزز عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. صحیح ہے, میں بولو ذرا, اگر کوئی توہین صحابہ کرے گا تو ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اگر توہین اہل بیت کرے گا ہم پھر بھی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یہ ہمارا فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے. اللہ کریم آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر جتھے وسو پیار نال وسو محبت نال وسو. اگلا جمعہ سیدنا فاروق اعظم, یہ جڑا 22 سال تو میں یہ روٹین تم سنا رہے ہیں, اگلا جمعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ کی شہادت اور آپ دے فضائل کو طرز کیتا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے پیسے آ گئے نہیں تو مسجد کے پیسے لے آؤ فٹافٹ. آج آج فٹ